आज हम गोरेगांव में आए हुए हैं। गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर 5/68 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस के सामने हम यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर इनका जो विषय है कि ये जो यहाँ पर पहले से गार्डन था, वो गार्डन के जगह से यहाँ पर का जो अभी म्हाड़ा रास्ता निकल रहा है, उस बारे में लोगों का यहाँ पर बहुत सारा विरोध है, क्योंकि यहाँ पर इनको बच्चे लोग को खेलने के लिए यहाँ पर जगह होनी चाहिए, ऐसा इनकी यहाँ पर मांग है। आइए हम देखते हैं कि ये नागरिक लोग यहाँ पर किस तरह से, इनको क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से ये लोग ये समस्या से जूझ रहे हैं, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पूरा जो प्लॉट है, ये प्लॉट अभी भी वैकेंट है यहाँ पर, लेकिन ये प्लॉट वैकेंट होते हुए भी म्हाड़ा ने इन लोगों को अंधेरे में रखते हुए सोसाइटी के किसी भी मेंबर से कोई बात नहीं करते हुए यहाँ से एक रोड का प्लान इन्होंने बनाया है। आइए हम देखते हैं, यहाँ के जो रहवासी है इनसे हम बात करेंगे कि इनकी क्या समस्या है। सर, आप बताएंगे कि आपका नाम बताइए। माझं नाव दिनेश गणेश हेगडे। अच्छा। मी या कॉलनीचा एक्स चेअरमॅन आणि 2013 2012-2012 आमचं कमिटी होता। 2013 आल्यानंतर हा जो पॅसेज आहे, म्हणजे ग्राउंड आम्ही लहानपणापासून 1966 पासून ही ताब्यात आमच्या ताब्यात आहे। म्हाडाच्या रेकॉर्डमध्ये पण आहे की 1966 पासून आम्हीच त्याला सांभाळलं। आजपर्यंत तिथे कुठलंही एन्क्रोचमेंट करायला दिलं नाही। 2013 15 मार्चला ज्या दिवशी आम्हाला समजलं, सकाळी 6 वाजेपर्यंत ही सर्व पत्रे रात्री ठोकून दिले तेलवाने। 2013 15 मार्चला मी पृथ्वीराज चव्हाण, त्या टाइमला चीफ मिनिस्टर होते, त्यांना मी पत्र पाठवलं। पत्रवर केल्यानंतर त्या पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांनी ते पाठवलं मंत्रालयाला, पर्सनल सेक्रेटरी हाऊसिंगला। पर्सनल सेक्रेटरी हाऊसिंगनी पाठवलं सतीश गवईला, ज्या टाइमला म्हाडाचा सीईओ होते। त्याच्यावर मी कंटिन्युअस फॉलोअप करून त्यांची व्हिजिलन्स टीम, त्यांचे चीफ ऑफिसर सर्व आलेले इकडे बघायला। त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलं की हां, ह्यांनी जे मेन्शन केलेले ते बरोबर आहे। त्याच्यानंतर हे काम थांबवलं आणि आत्ता जर आपली सरकार आली, पण आपली सरकार यायच्या अगोदर अशी परिस्थिती झाली की परत इकडनं रोड काढलं। आता ग्राउंडमधनं रोड कसं दिलं, काय दिलं, त्याच्या सोसायटीची NOC आहे का, त्यासाठी NOC दिली आहे का त्यांना की दिली नाही आहे। समजा दिली असेल तर ठीक आहे, NOC दिली नसेल तर म्हाडानी कसं काढलं। त्याला आम्हाला विचारल्याशिवाय ते रोड काढू शकता का, कारण आमच्या मुळे खेळायला जाणार कुठे। तुम्ही मनमानी काय, तुमचं मनमानी कारभार, कारण गेल्या टायमाला जे 2 ऑफिसर होते याच्यानं इमेल, मी दोघांचा नाव ते कंप्लेंटमध्ये टाकलेलं, आणि त्या दोघांवरती सरकारनी आणि म्हाडाच्या लोकांनी कारवाई पण केलेली की का तुम्ही त्यांना विचारल्याशिवाय काय केलं। सरकार ग्राउंड त्यांच्या ताब्यात आहे, त्यांची मुलं खेळायला कुठे जाणार, हे प्रश्न तुम्ही सांगायचा। याच्या आधीच्या सरकारला तुम्ही काही पत्रव्यवहार केला होता? हां, आम्ही त्याच्यानंतर उद्धवसाहेब जेव्हा मुख्यमंत्री होते त्या टायमाला पण मी पत्रव्यवहार केला। त्या टाईमला पण त्यांनी जसं आत्ता जे केलं, त्याच्यानंतर मी काय केलं, तर परवा दिवशी म्हणजे 20 तारखेला मी एकनाथ शिंदे साहेबांना मी पत्र पाठवलं आहे। एकनाथ शिंदे साहेबांनी मला रिप्लाय केले, ते पण सेम प्रोसिजर फॉलो केले। आता ते गेलेले आहे पर्सनल सेक्रेटरी हाऊसिंग, पर्सनल सेक्रेटरी हाऊसिंगमधनं परत ते आले म्हाडाला। म्हाडाला योगेश मसे म्हणून आता मेन आहेत, त्यांच्याकडे गेलेले। योगेश मसे साहेबांची मी व्हॉट्सअपवरती पण बोललेलं आहे की याच्यावरती जर तुम्ही लक्ष द्या आणि कारवाई करा की कोण याच्यामध्ये इन्वॉल्ड आहेत, ते सर्व म्हाडाचे कुठलेही अधिकारी असून द्या, त्यांना सोडू नका। आणि त्याच्यावर अजून कोण इन्वॉल्ड असतील त्यांनाही सोडू नका, कारण म्हाडाचा मनमानी कारोबार गोरेगावमध्ये एवढा चालला आहे की ते त्यांच्या मनात येईल ते असं करतात, असं नाही चालणार। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि म्हाडा का जो यहाँ पर मनमानी कारोबार चालू है उसे रोकने की ये कोशिश है उनकी। उनका जो यहाँ पर जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड उनके लिए ग्राउंड ही रहे, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है। हम आगे जाके पूछेंगे सोसाइटी के जो यहाँ पर मेंबर है उनसे, आप क्या कहेंगे, क्या स्थिति है यहाँ की? स्थिति के बारे में तो अब तक हम लोग को अंधेरे में रखा हुआ है, हम लोग को पता ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है, और मतलब ये रास्ता कैसे अलॉट हो, किस रास्ते से, क्योंकि जब PMC जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इसको अपना ओपन ग्राउंड घुमा ही दिखाया, अभी उसके बाद क्या हुआ है हमको पता नहीं। हमको पता ये ऑलरेडी रिजर्व है ग्राउंड के लिए, या फिर ग्राउंड के लिए दिखा रिपोर्ट में दिखा रहे हैं फिर भी ये लोग यहाँ से रास्ता निकाल रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। आप क्या कहेंगे मैडम, आपको क्या यहाँ पर क्या कहेंगे? ये बिल्डर का जो भी इनिशिएटिव होगा, और जो सोसाइटी बन रही है पीछे, उनको अपना एंट्री है फ्रंट में,
तो उनको यहाँ पे एंट्री लेने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ इतनी बड़ी सोसाइटी है तो उनके लिए एक छोटा सा ग्राउंड है। बाकी सोसाइटी के रोड से बहुत नैरो है, बहुत जूनी सोसाइटी है, तो ये बच्चों के लिए छोड़ने की जगह पे वो बिल्डर को या जिसने भी इनिशिएटिव लिया है उनको यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा। और आप अभी बिल्डर का स्टेज देखिए, आप थोड़ा सा अगर कैमरा घुमाएंगे तो आप ये देखिए यहाँ पे मच्छर के सिवा कुछ, मच्छर की ब्रीडिंग ग्राउंड बन के रह गया ये। तो आपका अभी क्या कहना है? नहीं, ये ग्राउंड को जिसने भी कैप्चर किया है इसको रिवर्स करना चाहिए और ग्राउंड सोसाइटी को वापस देना चाहिए। यहाँ पर देखिए इनका यहाँ पर ये कहना है कि ये जो सोसाइटी डेवलप हो रही है, जो भी बिल्डर है उस बिल्डर ने यहाँ पर म्हाड़ा को हाथ में लेते हुए ये रास्ते यहाँ से बनाने की कोशिश किया है। आप देख सकते हो ऑक्सफोर्ड प्लैनेट रियलिटी करके इस कंपनी का नाम है यहाँ पर, और इन्होंने सोसाइटी का परमिशन ना लेते हुए भी यहाँ पर अपनी जिस तरह से उनको म्हाड़ा के अधिकारियों को कहो या फिर जो भी यहाँ के अधिकारी है उनसे मिला जुला बनाकर इन्होंने ये ग्राउंड लेने की कोशिश यहाँ पर की है, और उसके विरोध में यहाँ पर यहाँ ये सारे नागरिक आए हुए हैं। म्हाड़ा से जो आज की जो सरकार है इससे इन्होंने भी निवेदन किया है कि ये हमारे लिए ग्राउंड ही रहे, यहाँ पर हमारे बच्चे ही खेले, किसी को ये ग्राउंड की जगह ना दी जाए, ऐसी यहाँ पर इनकी मांग है। पर अभी लोगों की जो मनीषा है ये जानने की कोशिश करेंगे। साहब आप क्या कहेंगे? सर माझा तर सरकारसाठी सरकारला एवढंच विनंती आहे की आमची जागा आम्हाला परत द्यावा आणि आमचं ग्राउंड तसंच राहावं, याच्यावरती कुठलंही एन्क्रोचमेंट होऊ नये आणि त्याच्यात रोड पण काढू नये, हे आमचं विनंती आहे सरकारसाठी, प्लीज आमच्यासाठी एवढं मदत करा। यापर इनका कहना है की ये जो ग्राउंड है वो ग्राउंड ही रहे, यहाँ से कोई भी रास्ता ना निकले, सरकार और म्हाड़ा से इनका निवेदन है कि ये हमें ग्राउंड ही करके दे, ऐसा इनकी यहाँ पर मांग है। मैं VRNews.in से नागेश तांबड़कर। यहाँ पर देखिए ये जो बिल्डर ने यहाँ पर पोल गाड़े हुए हैं वो बिल्कुल इस सोसाइटी की जगह पे इन्होंने लगाए हुए हैं। सोसाइटी वालों का कहना है कि यहाँ से वहाँ तक पूरा जगह ये ग्राउंड का ही है, और ज़बरदस्ती ये ग्राउंड लिया जा रहा है इन लोगों से। ये सोसाइटी जो डेवलप हो रही है इस सोसाइटी के लिए पीछे के बाजू से जाने के लिए रास्ता है, मगर म्हाड़ा के अधिकारियों ने यहाँ पर मिलजुल कर ये रास्ता यहाँ से निकालने की कोशिश की है, जबकि ये ग्राउंड है यहाँ पर। यहाँ पर 1966 से इस सोसाइटी का पाण्याची टाकी आमची अधिकार है, लेकिन अभी ये बिल्डर है ये यहाँ पर ज़बरदस्ती ये ग्राउंड लेने की कोशिश कर रहा है। दिस